नमस्कार दोस्तों, इलेक्ट्रीशियन अड्डा में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे हाई पोट टेस्ट के बारे में, जिसको हाई पोटेंशियल टेस्ट और हाई वोल्टेज टेस्ट भी कहते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इस टेस्ट को कहां पर किया जाता है, ये हाई पोट टेस्ट कहाँ किया जाता है। जो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट होते हैं उनके इंसुलेशन की गुणवत्ता को जानने के लिए इस हाई पोट टेस्ट किया जाता है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि इसको कैसे करते हैं और इसके इक्विपमेंट के हाई पोट सेट के बारे में भी बताऊंगा, जैसे इक्विपमेंट में टेस्टिंग इक्विपमेंट का उपयोग किया जाता है इंसुलेशन की गुणवत्ता को जानने के लिए। तो वीडियो को अंत तक देखते रहें। तो दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और जानते हैं इस हाई पोट सेट के बारे में। तो दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन में देख रहे हैं, इस तरह का एक हाई पोट सेट होता है जिसकी मदद से हम हाई पोटेंशियल टेस्ट, हाई वोल्टेज टेस्ट जिसे कहते हैं को करते हैं। तो इसके बारे में मैं आपको बता दूं, ये यहाँ पे देखो, ये ग्राउंड टर्मिनल दिया रहता है जो हाई पोट सेट की बॉडी को ग्राउंड करने के लिए होता है। ये HV पोर्ट दिया हुआ है जहाँ से हमें टेस्टिंग के लिए जो केबल है वो मिलते हैं टेस्टिंग के पॉइंट। यहाँ ये हमारा LT मेन है जहाँ पर 230 वोल्ट की AC सप्लाई यहाँ पे दी जाती है, इक्विपमेंट को सप्लाई यहाँ पे दी जाती है। ये आप टॉगल स्विच देख रहे होंगे ऑन ऑफ, ये इस इक्विपमेंट को ऑन ऑफ करने के लिए दिया रहता है। ये टाइमर दिया हुआ है जिससे हम टाइमर सेट करते हैं। ये ST ऑन और ST ऑफ के पुश बटन दिए रहते हैं जब हम इक्विपमेंट को यूज करते हैं। आगे हम देखेंगे इसको किस तरह से करते हैं जब हम टेस्ट करते हैं, तो ST ऑन और ऑफ करने के लिए ये हमारा ये रोटरी स्विच होता है जिसको हम रोटेट करके वोल्टेज को बढ़ाते हैं, जो जितना के भी हमें अप्लाई करना होता है जिस इक्विपमेंट का हम टेस्ट कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग, उसकी KVA रेटिंग के अकॉर्डिंग। तो हम इस रोटरी स्विच की मदद से इसको रोटेट करके बढ़ा सकते हैं वोल्टेज को। ये हमारा KV सेट होता है जिसकी मदद से हम इसमें जो रेंज दी है, हमें दो रेंज मिल जाती हैं, 20 KV, 20 KV और 40 KV के। तो हम 20 KV और 40 KV में सेट कर सकते हैं। ये इंडिकेटर दिए हुए हैं डिफरेंट, ये ST ऑन का बताता है, ये पावर जब सप्लाई ऑन होती है सप्लाई ऑन को बताता है, जब अर्थ कोई लीकेज होता है तो ये अर्थ का इंडिकेशन जल जाता है। तथा इसमें दो मीटर दिए हुए हैं, ये आप देख रहे होंगे, एक एमीटर है जो लीकेज करंट को यहाँ पर दिखाता है। अगर उसका इंसुलेशन, जिस इक्विपमेंट को हम टेस्ट कर रहे हैं तो उसका अगर इंसुलेशन वीक होगा, फॉल्टी होगा, तो उस कंडीशन में लीकेज करंट आएगा, तो वो इसमें दिखाता है। तथा ये KV का इंडिकेशन है, तो ये हमें दिखा देता है कि हमने कितना KV वोल्टेज अप्लाई किया है। जब इसको रोटेट करेंगे तो यहाँ पर वोल्टेज वेरी करता है, धीरे धीरे बढ़ता है। तो अभी हम इस प्रोसेस को पूरा समझेंगे, अभी हमने इस इक्विपमेंट के बारे में समझा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों और हम जानते हैं कि इस टेस्ट को किस तरह से अंडरग्राउंड केबल पे अप्लाई किया जाता है। जब जो हमारा अंडरग्राउंड नेटवर्क होता है उसमें अगर कोई केबल फॉल्टी हो जाए या किसी केबल सेक्शन को हमें उसका इंसुलेशन चेक करना हो, तो हाई पोट की मदद से हम उस केबल को कैसे टेस्ट करते हैं। जैसा कि आपको इसमें दिख रहा होगा, इस सेक्शन में ये एक RMU लगा है, दूसरा RMU ये है। अगर इन दोनों के बीच की केबल में कोई फॉल्ट आ जाता है तो हम इसको कैसे टेस्ट करेंगे, तो हमें दोनों एंड पे केबल को आइसोलेट करना होगा सबसे पहले, फिर हम हाई पोट सेट की मदद से इसको टेस्ट करेंगे, जिसको हम आगे वीडियो पर देखते हैं। तो इस तरह से ये हमारा एक साइड है, दूसरे साइड को हमने आइसोलेट किया हुआ है और इधर से भी आइसोलेट किया हुआ है केबल को। अब यहाँ पे हम हाई पोट सेट की जो ST की लीड है उसको हमने एक फेज पे लगाया हुआ है, जैसा कि आप देख रहे हैं वीडियो में, तथा दूसरे को हमने
उसी के दूसरे सिरे को ये हमने लगाया हुआ है केबल की अर्थ के साथ में कनेक्ट किया हुआ है। इसी तरह से हम हर फेज को अर्थ के साथ पहले केबल के चेक करेंगे, फिर हम फेस टू फेस चेक करेंगे। फेस टू फेस चेक करने के लिए इसको हमें एक फेज पे लगी रहेगी ये लीड, और ये येलो वाली लीड को हम दूसरे फेज पे कनेक्ट कर देंगे। इस तरह से हम फेस टू फेस इंसुलेशन को भी चेक कर पाएंगे। तो दोस्तों, इस तरह से जो हमारे पास ST की 11 KV की XLP केबल है, उसके पहले हम तीनों फेज को अर्थ के साथ में टेस्ट करेंगे हाईपोर्ट सेट की मदद से। RYB को अर्थ के साथ टेस्ट करेंगे, फिर हम फेस टू फेस से इंसुलेशन को चेक करेंगे। तो RY, YB और BR, इस तरह से अब आगे हम देखते हैं कि इसका टेस्ट किस तरह से करते हैं। तो दोस्तों, इस तरह से हम हाईपोर्ट टेस्ट को देखते हैं कि किस तरह से करेंगे। ये हमने हाईपोर्ट का ग्राउंड को कनेक्ट कर रखा है, जो यहाँ पे ग्राउंड टर्मिनल था, और ST को हम उसकी बुशिंग में कनेक्ट करेंगे, केबल के टर्मिनल पे कनेक्ट कर देंगे। और इस तरह से आप देखेंगे कि हम इससे हाई वोल्टेज को अप्लाई करेंगे और इंसुलेशन की गुणवत्ता को चेक करेंगे। इस तरह से हमने इक्विपमेंट को ऑन कर लिया है, आप देख रहे होंगे ये हमारा हाईपोर्ट सेट ऑन हो गया है। अब हम इसमें जो है टाइमर को सेट करेंगे। यहाँ पे हमने KV सेट कर लिया है, ये हमारा वोल्टेज का इंडिकेशन है, अभी 0 इसमें दिखाई दे रहा है। ये हमारा लीकेज करंट का इंडिकेशन है, ये आपको सारा देख रहे हैं। अभी हमने केवल ST इसमें ऑन किया है। अब हमें इसके टाइमर सेट से टाइम को सेट करेंगे कि ये हमें हाई वोल्टेज कितने टाइम के लिए अप्लाई करना है, उसको हम सेट करेंगे। उसके बाद हम ST ऑन करेंगे और फिर हम धीरे धीरे इसमें वोल्टेज को बढ़ाएंगे। तो ये हमारी 11 KV की केबल है, तो हमें इसमें 11 KV तक अप्लाई करेंगे और देखेंगे कि इसमें कोई लीकेज करंट तो नहीं आ रही। तो ये हमने टाइमर सेट कर दिया। अब हमें इसका ST ऑन किया, ये हमने ST ऑन कर दिया। अभी वोल्टेज देख रहे हैं आप, इसमें 0 है। अब हम रोटरी स्विच को घुमा रहे हैं, तो ये देख रहे हैं आप वोल्टेज धीरे धीरे बढ़ रहा है, और थोड़ा सा इसमें भी लीकेज आ रहा है, क्योंकि ये चार्जिंग जो केबल हमारी थी अभी डेड थी, तो ये इसमें कैपेसिटेंस इफेक्ट के कारण ये चार्जिंग करंट लेता है। अब हमने ST ऑफ कर दिया, तो ये सेल्फ डिस्चार्ज हो गया और ये वापस 0 हो गया, और रोटरी स्विच को घुमा के हमने उसी नॉर्मल पोजीशन में फिर से ला दिया। इस तरह से हम तीनों फेज का करेंगे। उसके बाद हम इसका तीनों फेज का करने के बाद फेस टू फेस करेंगे। आप इसको देखते रहें वीडियो को। इसमें फेस टू फेस टेस्ट स्टार्ट कर रहे हैं। अभी हमने ये अर्थ पे लगा रखा था येलो वाला, उसको हमने फेज पे कनेक्ट कर दिया है। अब हम फिर से वैसे ही करेंगे, इसमें वोल्टेज को अप्लाई करेंगे और इस टेस्ट को देखते हैं अब आगे। Thank you.
दोस्तों इस तरह से आपने देखा कि हमने फेस को अर्थ के साथ में तथा फेस टू फेस दोनों टेस्ट कंप्लीट कर लिए हैं और उसमें हमने देखा कि किसी तरह का कोई लीकेज करंट नहीं था। इससे हमें ये पता चलता है कि जो हमारी केबल है वो हेल्दी है और इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो हमारा ये सेक्शन है वो हेल्दी है और हमें इसको ऑन कर सकते हैं। तो दोस्तों अभी आप लोगों ने हाई पोटेंशियल टेस्ट को देखा। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ इसको लाइक करें, कमेंट करें तथा दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर मुझे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।